हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा इलाइट मोको है, क्या ये शिरोउ से बेस्ट है। मतलब कि इलाइट मोको जो है वो मोको से तो बेस्ट है, लेकिन क्या ये शिरोउ से बेस्ट है? क्योंकि ये इन दोनों का जो एबिलिटी है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट में है। मतलब कि अगर आपके पास इलाइट मोको है तो आप एनिमी को मारते हैं तो एनिमी को लोकेशन दिखाने लगेगा कि एनिमी कहाँ जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास शिरोउ है तो अगर एनिमी आपको मारता है तो एनिमी का लोकेशन दिखा देगा कि एनिमी कहाँ से मार रहा है। मतलब कि दोनों का जो एबिलिटी है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट तरीके से काम करता है, और इसी को लेकर यहाँ पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि कौन सा कैरेक्टर जो है बेस्ट है। मतलब कि किसको लेके खेलने से हमें गेम में ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूं कि कौन से कैरेक्टर से आपको क्या क्या फायदा देखने को मिल रहा है, जिसको देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाए कि कौन सा कैरेक्टर जो आपके हिसाब से बेस्ट है, आपको कौन सा कैरेक्टर लेके खेलना चाहिए गेम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर शिरोउ का, और जिन लोगों को इसकी एबिलिटी को लेके कंफ्यूजन होगा तो वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो ये चीज सबसे कॉमन है, मतलब कि सबके ही साथ होता है। मतलब कि होता क्या, रैंक जब गेम जब हम खेलते हैं तो यहाँ पर एनिमी जो है एसबीडी वगैरह में साइलेंसर लगा के मारता है, M2B में साइलेंसर लगा के मारता है, और हमने पता भी नहीं चलता कि एनिमी किधर से मार रहा और हमारा काम तमाम हो जाता है। लेकिन यहीं पर जब आपके पास शिरोउ रहेगा तो एनिमी अगर साइलेंसर लगा के मारता है और मारने के बाद घर में छुप भी जाता है तो शिरोउ से पता चल जाएगा कि एनिमी कहाँ से मार रहा और आपका जो जान है वो इजिली बच जाएगा। और इसी के साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर होता है, हम कहीं रैंक गेम में जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि एनिमी मारने लगता है हमको, और वहां पर हम डैमेज हो जाते हैं तो हम हील करने लगते हैं, लेकिन यहीं पर एनिमी रश कर देता है। लेकिन यहाँ पर शिरोउ की वजह से अगर एनिमी आप पे रश भी करता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा और आप उसको मार देंगे। और उसी के साथ साथ जो शिरोउ का मार्क है एनिमी पे वो खत्म होने से पहले अगर आप एनिमी को हिट करते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा डैमेज देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने इलाइट मोको के बारे में, तो नॉर्मली क्या होता है, एनिमी को हम डैमेज देते हैं, एनिमी डैमेज रहता है या फिर 1 HP के लगभग बचा रहता है, लेकिन यहाँ पर बच के भाग जाता है और हमें पता नहीं चलता एनिमी कहाँ गया। लेकिन यहीं पर जब आपके पास इलाइट मोको रहेगा तो वहां पर आपको 6.5 सेकंड के लिए एनिमी पे रहेगा अगर एनिमी जो है रन करता है। मतलब कि जैसे कि हम डैमेज दिया एनिमी को और एनिमी बच के भागने लगता है या फिर मेडिकेट मारने लगता है, तो यहाँ पर हम जल्दी से जाके, क्योंकि हमें एनिमी का लोकेशन दिख रहा, हम उसको एनिमी को मार देंगे इजिली मोको की वजह से। तो यहाँ पर जो था एनिमी तो वो तो एक जगह रुक गया था, जिसकी वजह से जो इलाइट मोको का मार्क था वो 5 सेकंड के लिए ही था। लेकिन यहीं पर अगर एनिमी जो है मूवमेंट करते रहता है, मतलब भागते रहता, तो ये जो मार्क था इलाइट मोको का ये 6.5 सेकंड के लिए रहता है एनिमी के ऊपर। तो जो शिरोउ है ये सिर्फ आप जब फुल मैप वाला रैंक गेम खेल रहे हैं, मतलब कि सोलो में रैंक पुश कर रहे हैं, तो वहां पर आपको फायदा देगा। लेकिन यहीं पर जो हमारा इलाइट मोको है, इससे आप कोई भी मोड खेल रहे हैं, चाहे कस्टम या CS रैंक कुछ भी खेल रहे हैं, फुल मैप के साथ रैंक पुश कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो वहां पर आपको पूरा फायदा देगा इलाइट मोको। हर मोड में, हर क्लोज फाइट में भी आपको जो इलाइट मोको फायदा देगा, मतलब कि जो ज्यादा फायदा हमें मिलेगा इलाइट मोको के यूज करने से। तो आई होप ये चीज आपको पूरा क्लियरली हो गया कि कौन सा ज्यादा फायदा देगा और कौन सा कम फायदा देगा और कौन सा कहां पर किस जगह पर फायदा दे रहा। तो अब आप अपने सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं।